हाई कोर्ट। हम लोग हेयर कट करके आते हैं अपने हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स को, क्योंकि 2 महीने कुछ हो गए। हेयर कट करने जा गो। फेस में मॉइस्चराइजर लग गई है एंड हेयर में भी लगी गई है। लेट्स गो। डरे हुए पूरा परिवार डरा हुआ है भाई यहाँ पर। देखो मैं डरा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ हेयर कट करने के लिए, एंड ये मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ कि मेरे घर वालों को मेरे लंबे हेयर जो है बिल्कुल नहीं पसंद, एंड मेरे को बोला गया है कि हेयर काट के आ, सारा काट के आ, बट देखते हैं क्या होता है। मैं छोटे छोटे काटूंगा, मतलब बस मिलवाना है मेरे को कि लाइक गर्मियाँ लगती है ना कुछ ज़्यादा, मैं थोड़ा सा मतलब मान लो ना 1 सेंटीमीटर उतना ही बस कट करवाऊंगा अपने फेस में, अपने हेयर को, एंड देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। बट एनी वे रिएक्शन में नहीं डाल पाऊंगा इसमें, क्योंकि मम्मी बोली है अगर मेरे हिसाब के हेयर नहीं कटे हुए हैं, लाइक मम्मी को चाहिए साइड साइड के मेरे हेयर कटे हुए हैं एंड आए कि मतलब लाइक 5 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर उतने लंबे होने चाहिए। अगर उससे मतलब लंबे हो गए या फिर साइड के हेयर नहीं कटे हुए होंगे तो मम्मी मेरे को वापस ले जाएगी एंड बार बार को कहेगी कि भाई इसके काटो हेयर, तो उस वक्त पता नहीं क्या होगा। लास्टली पूरा परिवार डरा हुआ है इसीलिए, समझ में आया ना। वैसे तो फर्स्ट टाइम रास्ते में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक लाइफ में नहीं बनाया था। एंड एक्चुअली अगर तुम लाइक हेयर कट करने जा रहे हो देन अपने फेस में मॉइस्चराइजर लगा लेना अच्छे से, क्योंकि जब हेयर कट करोगे तो हेयर तुम्हारे फेस में पड़े रहेंगे लाइक 10-15 मिनट तो लगते ही है हेयर कट करने में, तो तब तक उस वक्त तक हेयर पड़े रहेंगे तुम्हारे फेस में, तो लाइक बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होती है हेयर फेस में लग सकता है एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फेस में। सो फेस में मॉइस्चराइजर लगा के जाना जब भी हेयर कट करने जाना है तुम्हें। यू कैन सी मी। मैं तो सोच रहा था एयर नेगर से हेयर रखना है, तो तभी मैं ग्रो कर रहा हूँ अपने साइड के हेयर्स, एंड मैंने थोड़े हेयर को भिजा लिया क्योंकि बालों को थोड़ा अच्छे से कट पाए। एंड वैसे मैं मम्मी से पैसे नहीं ले रहा हूँ हेयर कट करने के, मैं खुद के पैसे से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी चैनल में एक शॉर्ट डाली थी एंड उसमें मैंने बताया था कि एक्चुअली गाड़ी की बहुत साउंड आ रही है एंड मैं अपनी बस्ती में हूँ, क्या कहेंगे इसको, गाँव या फिर बस्ती कहते होंगे इसे। तो मैं क्या कह रहा था, ये मैं खुद के पैसों से हेयर कट करवाने वाला हूँ, जो कि मैंने लाइक लिखा है। ओके मैंने समर हॉलीडेज़ का एक सब्जेक्ट का लाइक जो लाइफ साइंस सब्जेक्ट होता है उसका मैंने सारा लिख दिया जो जो सर ने सेंड किया था लिखने के लिए, एंड उसके बाद मैंने चार्ज किया 200 रुपीज़। 50 रुपये का हेयर कट होगा, बाकी 150 रुपये बचेंगे तो देखते हैं क्या खरीद सकता है उससे। मैं सोच रहा था एक सीरम ले लूँ फेस के लिए या फिर हेयर के लिए एक सीरम ले लूँ, साथ ही हेयर के लिए सीरम ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक सीरम हेयर के लिए ले लूँगा। फेस के लिए तो लाइक एलोवेरा जो मेरे पास नेचुरल है एंड फेस वॉश है, सनस्क्रीन है ही, क्या ही चाहिए अब। वैसे तो मैं बियर्ड भी रख रहा था बट मम्मी ने बोला भाई उड़ा दे तू बियर्ड, क्या कर सकता हूँ यार मैं। देखो मैंने यहाँ यहाँ का बियर्ड रखा था लाइक एक हफ्ता या फिर एक हफ्ता ज़्यादा हो गया था, बट मम्मी ने बोला काटने के लिए बियर्ड। अब काट रहा हो तो मम्मी काट लिया एंड 2 दिन कुछ हो गए तो मम्मी बोला अजीब लग रहा है तेरा, ज़्यादा बियर्ड आ गया बियर्ड काटने की वजह से। सो मैं क्या समझा सकता हूँ बताओ। तो मैंने थोड़ा सा बियर्ड रखा है क्योंकि मेरे को नहीं पसंद अपना जो फेस जिसमें मेरा एक बियर्ड भी ना हो एंड मुस्टेस भी ना हो। वैसे तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा है लाइक रोड में चलते चलते बातें करना कोई वीडियो के सामने, दिखते। एंड अभी मैं जाऊंगा, पहले 200 रुपये लेंगे उससे एंड जाएंगे बार्बर के पास हेयर कटवा के आएंगे, एंड घर में पता नहीं क्या होगा, लाल जूते मिलेंगे या फिर ले जाएगा मेरे को बार्बर के पास हेयर कट करके आने के लिए। चलिए माई लक या फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो बोल रहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसको कॉपी तो दे दिया, वो बोल रहा मैं 4 बजे करीब में उसको दे दूंगा एंड अभी टाइम हो रहा है 2 कुछ बज रहा है,
तो उसके पास अभी पैसे नहीं है। सो अपने को जाना होगा 4 बजे हेयर कट करने के लिए। एंड अभी मैं क्या कर सकता हूँ, घर से मैं कुछ लाइक 1000 स्टेप्स अवे हूँ। सो मैं अपने फ्रेंड के घर में रहूँगा अभी के लिए एंड टाइम पास करूँगा। पता नहीं बच गया या फिर क्या है, देख रहा हूँ। पैसे नहीं मिला मेरे को तो हेयर नहीं काटना पड़ेगा पहली बार। क्लिप से हज़ार बार ये बनेगा, इसी को डाल दूंगा क्लिप के लिए। मैंने हेयर ही नहीं काटा। लेट्स गो। मैं देखो दिन भर झक मारते रहा एंड मैंने हेयर नहीं काटा। अब घर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैंने हेयर को मिलवा लिया या फिर काट लिया, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन होगा। वैसी मैं तो इसको यूट्यूब में डालूंगा। अरे मैं क्या बोला था अंदर जा। तो अब वापस घर जाता हूँ। दिन भर झक मारा मैंने और कुछ भी नहीं किया। पर झक मतलब होता है क्या, मैं भी नहीं पता मेरे को। मतलब वैसे झक मतलब होता है क्या, झक मारा हो तो मैम बोलती है दिन भर क्या करते हो, झक मारते हो। झक मतलब झाँकते हो दिन भर। आज तक पता नहीं चला झक मतलब क्या होता है। झाँकते हो तो वापस देखो वेदर देखो मस्त है, लाइक बारिश होगा ही होगा 100% श्योर। सो मैं घर चला जाता हूँ अपने फ्रेंड को छोड़ के। पूरा परिवार डरा हुआ है वैसे हेयर के बारे में। देखो कितना घने घने हेयर दिख रहे हैं, पीछे का हेयर भी आगे दिख रहा है एंड आगे का हेयर भी दिख ही रहा है एंड साइड का हेयर भी दिख रहा है। वाओ। सो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ क्या डरे हुए हैं, पूरा परिवार डरा हुआ है, हेयर नहीं काटा।